नमस्कार, स्किन डिसीजेस में आज मैं आप लोगों के साथ सफ़ेद दाग यानी कि विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा की जो समस्या होती है, जो एक प्रकार का स्किन डिसऑर्डर है, इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए बहुत ही आसान और 100% कारगर होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। सफ़ेद दाग को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म करने वाली ये जो होम रेमेडी है फ्रेंड्स, इसे आपको कैसे बनाना है, किस तरह से सफ़ेद दाग वाली जगह पर अप्लाई करना है और साथ ही इसका किस तरह से आपको सेवन करना है ताकि आपकी जो सफ़ेद दाग की समस्या है इससे आपको जल्द से जल्द छुटकारा मिल सके, सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स नीचे में जो सब्सक्राइब की रेड बटन है उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल आएगी उसे भी हिट करें और ऑल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ आपको उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल जाए। सफ़ेद दाग या विटिलिगो की समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए जो होम रेमेडी है फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी अदरक की। अदरक जो है फ्रेंड्स, इसमें एंटीबैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं, त्वचा को बैक्टीरिया और कीटाणुओं से लड़ने में अदरक मदद करता है। इसके अलावा सफ़ेद दाग में जो इचिंग होती है, खुजली होती है या जलन की जो समस्या होती है उसे कम करने में भी अदरक बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। एंटीऑक्सीडेंट और जिंक से ये भरपूर होता है, इसीलिए त्वचा में अगर जलन हो रही है तो उसे भी ये कम करता है। इसके अलावा अदरक को अगर आप स्किन पर रगड़ते हैं तो आपके जो सफ़ेद दाग की समस्या है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो यहाँ पर आपको 1 या 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लेना है और उसे आपको इस तरह से ग्रेट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक छन्नी ली है और छन्नी में मैंने इस ग्रेटेड अदरक को ले लिया है और इसका जो रस है उसे हमें इस तरह से निचोड़ कर लेना है। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए हमें अदरक के रस की ज़रूरत होगी। अगर आपके यहाँ अदरक अवेलेबल नहीं होता है तो ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सूंठ पाउडर का भी आप इस होम रेमेडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, 1 चम्मच अदरक का रस हमें इसमें मिल चुका है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट हमें इसमें ऐड करना है वो है एलोवेरा जेल। अगर आपके घर में फ्रेश एलोवेरा जेल यानी कि जो प्लांट का एलोवेरा जेल होता है वो अवेलेबल होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तो इस तरह से रेडीमेड एलोवेरा जेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो मिलावटी नहीं होना चाहिए। 100% प्योर एलोवेरा जेल का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो करीब मैं इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ। एलोवेरा जेल में भी जो है फ्रेंड्स, कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। सफ़ेद दाग में जो जलन या खुजली की समस्या होती है उसे कम करने में एलोवेरा जेल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। एंटीफंगल एंटीबैक्टीरियल गुण इसमें पाए जाते हैं। एलोवेरा जेल औषधीय गुणों से भरपूर होता है। त्वचा के स्वास्थ्य के लिए एलोवेरा जेल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। नेक्स्ट जो इन्ग्रीडियंट हमें इसमें ऐड करना है फ्रेंड्स, वो है सरसों का तेल, या फिर आप इसमें शुद्ध कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप इसमें सरसों तेल ऐड करें। तो करीब 2 चम्मच मैं इसमें सरसों तेल ऐड कर रही हूँ। सरसों तेल भी जो है फ्रेंड्स, हमारे बालों के लिए, हमारे त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें भी एंटीफंगल एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। त्वचा में जो भी कीटाणु होते हैं उससे लड़ने में ये जो सरसों ऑयल है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और इसमें कई सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमें इसमें ऐड करना है वो है हल्दी। ये घर का बनाया हुआ हल्दी पाउडर है, तो करीब 2 चम्मच इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। इन सारी ही चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हल्दी पाउडर में भी जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, एंटीऑक्सीडेंट एंटीबैक्टीरियल गुण इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा एंटीसेप्टिक गुणों से हल्दी भरपूर होती है। त्वचा के स्वास्थ्य के लिए हल्दी पाउडर जो है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। त्वचा में अगर कहीं पर भी फोड़े, फुंसी, दाग धब्बे हैं उसे दूर करने में हल्दी पाउडर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो ये हमारी होम रेमेडी बनकर तैयार है। अब इस होम रेमेडी को आपको सफ़ेद दाग वाली जगह पर दिन में 3 बार अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो सफ़ेद दाग को अच्छी तरह से पानी से धो ले, उसे पैड ड्राई कर ले और उसके बाद इस होम रेमेडी को सफ़ेद दाग वाली जगह पर आपको अप्लाई करना है। 1/2 घंटे तक इसे रहने देना है और जब ये सूख जाए तब पानी से उस जगह को साफ़ कर लेना है। दिन में 3 बार इस होम रेमेडी को आपको सफ़ेद दाग वाली जगह पर अप्लाई करना है। रात में इसे आप सफ़ेद दाग वाली जगह पर लगाकर
इसे छोड़ दे और सुबह जब आप उठते हैं तब पानी से उस जगह को साफ़ कर ले। इस होम रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी जो सफ़ेद दाग की समस्या है फ्रेंड्स, वो कुछ ही दिनों में जड़ से ख़त्म हो जाएगी। सफ़ेद दाग को जड़ से ख़त्म करने में ये जो नुस्खा है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से काम करता है। तो इस होम रेमेडी को आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। इस होम रेमेडी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको आपकी सफ़ेद दाग की समस्या से छुटकारा पाने में देखने मिलेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको रोज़ाना अदरक का जो रस होता है इसका सेवन करना है। सुबह, दोपहर, शाम तीन टाइम आपको दो दो चम्मच अदरक का रस पीना है। अदरक जो होता है फ्रेंड्स, ये पेट से जुड़ी सभी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देता है। अगर हमें पेट से जुड़ी कोई भी समस्या होती है, पेट में गड़बड़ी रहती है, पेट साफ़ नहीं रहता है, पेट से जुड़ी कोई भी समस्या होने पर हमें कई सारी बीमारियां होती है। तो इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि पेट को साफ़ रखना। तो पेट को अगर आप साफ़ रखेंगे तो आप कई सारी बीमारियों से जल्द छुटकारा पा सकते हैं। तो इसलिए आपको अदरक का रोज़ाना सेवन करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अदरक जो होता है इसे आपको ग्रेट करके ले लेना है, और ग्रेट करने के बाद इसका जो रस निकलता है उसे आपको रोज़ाना सुबह, दोपहर और शाम में इसे पीना है। इसके अलावा आप अदरक के रस को भी सफ़ेद दाग वाली जगह पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी जो है सफ़ेद दाग की जो समस्या है वो कुछ ही दिनों में जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके सफ़ेद दाग नए नए हैं तो वो जल्द ही इन होम रेमेडीज़ के इस्तेमाल से जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आपके सफ़ेद दाग बहुत ज़्यादा पुराने हैं तो आपको इस होम रेमेडी का रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करना है। धीरे धीरे आपको इस होम रेमेडी के इस्तेमाल से सफ़ेद दाग की समस्या में बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स एक्सपीरियंस करने मिलेंगे। इसके अलावा आपको परहेज़ करना भी ज़रूरी है। आपको बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। दूध से बनी हुई जो चीज़ें होती है जैसे कि दही, पनीर, इन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। अचार नहीं खाना है, खट्टे फल नहीं खाने हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार चीज़ें नहीं खानी है। आपको मछली का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। इसके अलावा गुटखा, तंबाकू, शराब, सिगरेट, इन जैसी चीज़ों का भी आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। इन सभी चीज़ों को अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो आपकी जो सफ़ेद दाग की समस्या है वो 100% जल्द से जड़ से ख़त्म हो जाएगी।